से स्टार्ट करेंगे, यू नो जब जब न्यू ईयर की बात होती है तो सबसे पहले क्या कुछ जहन में आता है आपके एंड क्या कुछ? न्यू ईयर मतलब भी सेलिब्रेट करो, इन्जॉय करो, खूब सारा डांस परफॉर्मेंस देखो. मुझे लगता है कि इससे पहले टेलीविज़न में बचपन से देखा हुआ था कि 31st के दिन कोई ना कोई अवार्ड फंक्शन आता था टीवी पे, और डांस परफॉर्मेंस देखते हुए ही हम लोग न्यू ईयर को वेलकम करते थे. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिवाज आई थिंक इन इंडिया कि आप घर पे भी बैठे हो तो आप टीवी पे बैठ के स्टार्स के डांस परफॉर्मेंस देखो और न्यू ईयर को वेलकम करो. टीवी पे काउंटडाउन शुरू होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर, और घर पे सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करते. बट पिछले 6 सालों से हम लोग लाइव खुद परफॉर्म करते हैं और लोगों के साथ न्यू ईयर को वेलकम करते हैं, और जैसे आपने कहा उसके बाद बहुत खूबसूरत सा न्यू ईयर होता है, हमारा भी उनका भी, और हम तो चले जाते हैं घूमने के लिए. तो कुछ सालों से यही रिवाज है. बट देन हाँ, न्यू ईयर विदाउट सीइंग अ डांस परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली नॉट अ ब्यूटीफुल न्यू ईयर ईव फॉर मी. सर आपसे भी जानना चाहेंगे, यू नो आपकी अवधि काफ़ी लंबी जर्नी रही है, ये आज हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने सेट किया है. जब जो न्यू ईयर की बात होती है, कंट्री ग्रैप की बात होती है, कंट्री ग्रैप में धमाका होने वाला, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, कैसे देखते हैं आप वेल इट न्यू ईयर? Well, again, it's another milestone for the country club, and you know we know that we are evolving into a huge like a tsunami, and only when you see what is happening then you can really believe it, because like Devina was telling, it is a family club, and we get some lakhs of people, both I mean husband, wife, children, nana, nani, and all that. That is the concept of the country club. Whether it is Navratri, dekhiye aap. हैदराबाद से शुरू करें, जब नवरात्रि कोई क्लब नहीं करता था, हम शुरू करें. अभी देखे तो यू विल फाइंड अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल्सो इन मिडल ईस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्राउड्स. वेदर इट इज़ होली, होली में एक्चुअली ऑल दिस कॉलोनियल क्लब्स दे नेवर यूज टू परफॉर्म होली, बिकॉज होली में दे यूज टू थिंक दैट इट इज दे द क्लब्स विल गेट स्पॉइल्ड. बट क्लब में कंट्री क्लब दैट स्टार्टेड द होली, एंड टुडे यू फाइंड लैक्स ऑफ पीपल कमिंग. इट द मेंबर्स हुआ द स्टार्स, and we make them feel like that. That is the reason why I mean the country club's new year was successful. This year the war of the DJs also is going to be a great concept, because I mean this will really, I mean members will be the stars who will be also participating, so it is going to be very participatory. So guru bhai, aap bataiye ki is baar aap kitne excited hain? I know aapne bataya, aap bata chuke hain, look center rahega aapke dance gaane ko lekar aap kitne excited hain. वेल हर साल पिछले 5-6 साल से बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है हमारा न्यू ईयर कंट्री क्लब के साथ, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे लगता है कि जब आप 31st में परफॉर्म करते हो और आपकी शुरुआत जो होता है साल का वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, यू नो. और मैं और दिबिना के लिए बहुत ही स्पेशल है कंट्री क्लब, क्योंकि एक फैमिली की तरह है हमारे. पिछले 6 साल से हम एक फैमिली की तरह है, और जैसे आपको बताया कि हमारी एक छोटी सी स्टोरी भी थी कि जब हम एक्टर नहीं बने थे और कुछ हमारा नाम नहीं था, तो हमारा एक सपना था कि कंट्री क्लब में एक बार यू नो हम यहाँ पे ज्वाइन हुए. लेकिन आज एज देखिए वो सपना इतना बड़ा है कि हम पिछले 6 साल से हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री क्लब का. तो आई थिंक ये फैमिली वाली जर्नी है, और आने वाला साल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू नो. और जो जो गाने हमने सेलेक्ट किए, बाला एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो मैं ज़रूर करने जा रहा हूँ, उसके बाद देवीना जो भी गाना बोले उस पर मैं परफॉर्म कर दूँगा. और वेल सारे लोग बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि सभी को मालूम है कि मैं और देबिना थोड़े बहुत डांस कर लेते हैं, तो लेकिन यही बोल के हमारे जो डांसर्स हैं, हमारी कोरियोग्राफर है, वो इतना डिफ़िकल्ट स्टेप देते हैं कि हमें 10-15 दिन रिहर्सल में लग जाता है, यू नो. बट वो रिहर्सल भी काम आता है जब आप लाइव परफॉर्म करते हो. और इस बार सबसे खास बात यह है कि हम मुंबई में परफॉर्म करने जा रहे हैं, और हमारी जो मीडिया है कमाल की है, यू नो. आप लोगों के ज़रिए जितने भी हमारे फैंस जो देख नहीं पाते हमें लाइव, यू नो, आप वो देख सकते हैं और 31st में परफॉर्म कर रहे होते हैं. और हम लोग लकी भी हैं, क्योंकि 31st में नॉर्मली एक्टर्स बहुत कम होते जो परफॉर्म करते हैं, उनमें से हम हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं. उर्मिल सर, आपने तो कह दिया जो न्यू ईयर के जो भी प्लान्स हैं, आपके तरफ से प्री न्यू ईयर गिफ्ट भी आ रहे हैं जो मैम ने अनाउंस किया, आपकी जो सॉन्ग आ रही है उसके बारे में अगर कुछ थोड़ा बहुत बता दे तो इसके बारे में हम नहीं बात कर सकते, कंट्री क्लब के बारे में बात करते हैं.
न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या होने वाले इस साल के? जैसे तो वो हर साल होते हैं बट मानते नहीं कोई, पर हर साल कोई ना कुछ रखते हैं, आप क्या रखने वाले हो? वेल एक्चुअली कभी भी आप इतना प्लान नहीं कर सकते हो कि आप क्या न्यूयॉर्क पे क्या प्लान करने वाले हो, क्या सोच रहे हो. एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ यू नो आज पे आप आज क्या कर रहे हो, आप अपना बेसिक जो है वो आपको अच्छा रखना है. ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर आए तो और आप सोचते हो यार मैं चार चीज़ें अच्छी करूँगा. अरे वो चार चीज़ें आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे वो आपका अच्छा डाइट हो, वो आपको हमेशा फॉलो करना है. आपको जिम जाना है, आपको अच्छा काम करना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है. ये जो पाँच चीज़ें छः जो चीज़ें बेसिक होती है वो आपको साल भर रखनी है. ओके देविना, आपकी कोई रेजोल्यूशन? हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि जो हर साल मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को पिछले 6 सालों से कंट्री क्लब के तरफ से मेंबरशिप मिल रही है, लेकिन इस साल हमने सोचा है कि आके इधर टेनिस खेलेंगे. नहीं, बहुत मन है. हाँ, एक्चुअली जिम इज़ नॉट द ओनली वे टू डू फिटनेस ना, तो हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं. और एक यही चीज़ है जो मैंने कभी हम लोगों ने किया नहीं है कभी, तो डांस वांस बहुत कुछ किया है, तो सोचा कि इस साल यहाँ पे आके टेनिस खेलेंगे. खेलोगे ना तुम? हाँ, ये सुबह से राजीव को भी पूछ रही थी कि ये टेनिस कहाँ पे है कि नहीं. टेनिस कोर्ट मैंने बहुत पकाया, तो मैं यहाँ टेनिस खेलने आऊंगी. वी गॉट अ टेनिस कोर्ट, वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट स्क्वैश कोर्ट्स हियर, एंड वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ क्लब्स हियर. अ लॉट ऑफ स्टार्स इज आल्सो कम एंड बी इन द हेल्थ क्लब एंड द स्क्वैश कोर्ट्स एंड स्विमिंग पूल्स. सो आई एम श्योर, इन फैक्ट आई वाज टेलिंग देविना यू कैन, I mean, you should be doing that. Gandhivali. मैं यहाँ हूँ. यहाँ नहीं है. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Good luck.